नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, शेयर मार्केट से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और ऐसी खबर हमें देखने को लाइफ में केवल एक ही बार मिलती है, क्योंकि ये जो है एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी गिरावट हुई है। 1000 पॉइंट्स के करीब गिरावट हुई है निफ्टी 50 में, वहीं पर सेंसेक्स में करीब 3000 पॉइंट्स के करीब इसमें गिरावट दर्ज की गई है। तो मार्केट ने सर्किट ब्रेकर हिट कर दिया है और ये दोस्तों बहुत ही कम ऐसा देखा गया है शेयर मार्केट की हिस्ट्री में कि सर्किट ब्रेक करने के बाद ट्रेडिंग को रोकना पड़ा है। यहाँ करीब 45 मिनट के आसपास ट्रेडिंग को रोकनी पड़ी है और ये 10:05 में फिर से इसकी शुरुआत होने वाली है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करेगा दोस्तों। और आने वाले समय में भी जो है एक तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ जो पैनिक चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, उसकी वजह से हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसा मैंने अपने दोस्तों पहले की वीडियोज़ में बताया है, ऐसा मौका बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम क्या, लाइफ में केवल एक या दो बार आता है। तो ऐसे मौके को हमें चूकना नहीं चाहिए जहाँ पे सारे निवेशक, रिटेल निवेशक जो है एक तरह से एग्जिट कर रहे होंगे पोर्टफोलियोज़ को। हमें क्या करना है, धीरे धीरे छोटे छोटे चंक्स में हमें बाइंग करते रहनी है, क्योंकि हम अभी जो बैड फेज चल रहा है उस बैड फेज में अगर हम प्लान्ड वे में निवेश करें तो आने वाले समय में हमें बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, बाहर के किसी भी मार्केट को देख लीजिए। आप यूएस मार्केट में देखिए, नैस्टैक जो है वो करीब उसमें 10% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोपियन मार्केट्स में देखिए आप, सीएसई में देखिए करीब 13% की गिरावट दर्ज की गई है। एफटीएसई में देखिए आप 11% की गिरावट, डैक्स में देखिए आप करीब 12.5% की गिरावट, एशियन मार्केट्स में आप देख सकते हैं हैंगसेंग जो है करीब 6% की गिरावट, और शंघाई मार्केट में आप देखिए तो करीब 3.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं पे आप डो जोन्स, जिसके बारे में कि हर कोई बात करता है आजकल, डो जोन्स में भी करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। और ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो चुका है, कोरोना वायरस का इफेक्ट है, और ये आने वाले थोड़े समय के लिए हमें और देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा भाई, क्लास इज परमानेंट बट फॉर्म इज टेम्प्ररी, तो फॉर्म टेम्प्ररी है, ये जो भी है ये टेम्प्ररी चीज़ है, आज है कल नहीं रहेगी। तो हमें इस मौके पे अच्छा निवेश करना चाहिए और आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए।